हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और सब वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस वीडियो की कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो की कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि एक लड़का हॉट और हैंडसम होता है। वो एक कार के शोरूम में काम कर रहा होता है। वो पानी का काम करता है, इसलिए वो अपने कपड़े उतार कर रखता है कहीं उसके कपड़े ख़राब ना हो जाए। उसका काम डेली का होता है। वो डेली उन वेंट्स को देखता है और सफाई करता है। आज भी वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होता है और वो वैन को साफ़ करता है। वो अच्छे तरीके से उस वैन को साफ़ करता रहता है। वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है डेली की तरह। उसके पास एक कस्टमर आता है जो कि बहुत ही बड़ा आदमी दिखने में लगता है। वो उससे मिलता है और बोलता है कि आपके पास कोई अच्छी सी वैन है तो मुझे दिखाएं। वो लड़का बोलता है कि हमारे पास तो बहुत सारी वैन्स हैं, आपको कौन सी चाहिए? ये देखें, ये भी है एक जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आदमी बोलता है कि ये तो ठीक है, सही लग रही है, पर मुझे कुछ अच्छे फीचर्स चाहिए जो कि नई डिज़ाइन में हो। कोई और आपके पास है तो मुझे दिखाएं। वो लड़का बोलता है कि हाँ, हमारे पास बहुत सारी हैं, और वो उसको लेकर आता है। वो उसको एक दूसरी दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो उसको उसके बारे में बताता है कि ये देखें, ये सबसे अच्छी और न्यू मॉडल में है। वो आदमी बोलता है कि इसको मुझे चेक करवाओ। उसके बाद लड़का उसको पीछे वाली साइड से लेकर आता है और उसको बोलता है कि आप इसको अंदर से चेक कर सकते हैं। वो आदमी उस वैन को अंदर से देखता है कि इसमें क्या क्या है। वो आदमी उस वैन को अजीब तरीके से देखता है, जिससे वो लड़का समझ जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है। और वो उसके पीछे पीछे लगा रहता है और उसको टच करता है, जिससे वो आदमी कोई भी हरकत नहीं करता। और उसके बाद वो लड़का समझ जाता है कि ये आदमी दो नंबर है। उसके बाद वो लड़का उसको फुल टच करता है, जिससे वो आदमी उसको देखता है और फौरन से गले लगा लेता है। वो लड़का उस आदमी के पीछे लग जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन वो आदमी उसको कुछ नहीं बोलता, वो वैन में लगा रहता है। उसके बाद जब वो लड़का देखता है कि ये मुझे कुछ नहीं कह रहा, तो वो लड़का उससे अजीब हरकत करता है और उसके बाद वो आदमी भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ऐसा लगता है कि वो आदमी पहले भी इस लड़के से मिल चुका हो, या वो आदमी आया ही इसी लड़के के लिए था। और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे सेट हो गए जैसे कि पुराने फ्रेंड्स हो। दोनों अपनी मस्ती में खो जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। फ्रेंड्स, ऐसे अजीब और गरीब इत्तेफाक ज़िंदगी में होते रहते हैं। जिसको आप पसंद करते हो वो आपके साथ सेट हो जाता है, या जिसको आप चाहते हो या दिल में किसी को याद करते हो वो आपकी नज़रों के सामने आ जाए तो आप एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो, क्योंकि आपने जिसको चाहा वो आपके सामने आ गया। और फ्रेंड्स, ऐसी कहानियाँ या इनसे मुख्तलिफ कोई भी कहानी रियल लाइफ से ही जुड़ी होती हैं, और रियल लाइफ में ये इत्तेफाक आजकल आम हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी को भी चाहते हो या किसी को भी पसंद करते हो या किसी को भी पसंद करने की कोशिश करते हो, बस आपको चांस मानने की देर होती है और वो आपके साथ सेट हो जाता है। किसी भी पब्लिक प्लेस में वो आपके साथ सेट हो ही जाता है, यानी कि अगर वो आपके टाइप का हो या आप में कुछ भी इंटरेस्ट रखता हो तो वो आपके साथ ज़रूर सेट हो ही जाता है। फिर कोई सी भी जगह हो, कहीं पर भी हो, किसी भी पब्लिक प्लेस में बस चांस मारने की देर होती है और आपको अपना मनपसंद साथी मिल ही जाता है जिसकी आपको तलाश होती है, और आपका दिल भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आप भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।